आज हमारी क्योंकि आदरणीय कुलदीप राठौर जी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बने हैं, उसके बाद मेरे को हमीरपुर का जिम्मा आदरणीय अध्यक्ष जी ने दिया है, तो आज मेरी पहली जिला कांग्रेस कमेटी की बैठक थी जिसमें मैंने वर्तमान में संगठन कहाँ है और संगठन के पदाधिकारियों, चाहे वो हमारे ब्लॉक अध्यक्ष हों, जिले के पदाधिकारी हों, प्रदेश के हमारे सम्मानित नेता हों, प्रदेश के पदाधिकारी, तो ये परिचर्चा की कि आने वाले समय में सबसे पहले तो जिला कांग्रेस कमेटी को, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी को और दूसरे हमारे फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन हैं वो किस तरीके से वो काम कर रहे हैं और निकट भविष्य में लोकसभा के चुनाव जो 2019 वो सिर पे हैं, तो उसके लिए क्या कार्यकर्ताओं के, सभी वरिष्ठ नेताओं के क्या क्या सुझाव हैं, उस पर आज परिचर्चा हुई और संगठन के जिला अध्यक्ष और तमाम कार्यकारिणी ने अपने अपने सुझाव रखे। और मैं चाहूँगा कि आने वाले समय में पहले मैं संगठन पे बात करूँ कि चाहे वो जिला कांग्रेस कमेटी के मेरे उपाध्यक्ष हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं, सेक्रेटरी हैं, आज जाने से पहले ही हम जिम्मेवारियाँ फिक्स करेंगे कि चारों विधानसभा क्षेत्रों में आने वाले समय में लोकसभा के चुनावों को लेकर वहाँ बैठकें आयोजित होंगी और एक समन्वय बनेगा जो फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन और कांग्रेस कमेटी के, इनके एक जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के नेतृत्व में एक कार्यक्रम बने। और ये पहली बैठक थी, इसके बाद मैं सेकंड बैठक जो हमारे यहाँ से चुनाव लड़े हैं हमारे प्रदेश के पदाधिकारी हैं, जिला अध्यक्ष हैं, वो दूसरी बैठक में करूँगा, उसमें मैं एक एक्शन प्लान जो सुझाव आए हैं, एक एक्शन प्लान जो है हमीरपुर के लिए जिला कांग्रेस कमेटी यहाँ तय करेगी सभी वरिष्ठ नेताओं के